Hey dear friend, this is Amik and you are watching online future YouTube channel. So dear friend, welcome back to another quest guide. So dear friend, इस वीडियो में हम quest complete करने जा रहे हैं recruitment drive. So इसकी क्या requirement है, इसकी क्या specification है, ये सारी हम इसमें अभी detail देख लेते हैं, ठीक है, उस पर नज़र डाल लेते हैं, इस quest के अंदर किस किस चीज़ों की हमें ज़रूरत है उन पर भी, ठीक है. तो वैसे अगर देखा जाए तो इस quest में किसी skill वगैरह की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके पास 300 कॉइन्स होना चाहिए अगर आप मेल करेक्टर हो तो. मतलब जिस तरह ये मेरा करेक्टर जो है ये मेल है, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास 300 कॉइन होने चाहिए या इससे अबव. क्योंकि ये जो क्वेस्ट है इसकी एक ये भी ख़ास बात है कि वो क्वेस्ट आपने फीमेल करेक्टर में ही कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है. तो ये होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास ज़्यादा है कॉइन्स वगैरह, ठीक है. उसके बाद स्किल्स की कोई ज़रूरत नहीं, किसी किस्म की कोई नहीं ज़रूरत है. उसके बाद टेलीपोर्टेशन मेथड, आपके पास दो फैलाडोर होने चाहिए अगर आप मेल करेक्टर हो तो, दो फैलाडोर होने चाहिए क्योंकि इसको हमने तब्दील करना है फीमेल करेक्टर में. तो वो पास ही है फैलाडोर से जहाँ से हमने क्वेस्ट स्टार्ट करनी है, ठीक है, वहाँ से जाके हमने उसको कम्प्लीट करके अपने बंदे को जो फीमेल करेक्टर में तब्दील करना है, ठीक है. बाद में ये भी करेंगे कि हम वापस भी इसको किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है. उसके बाद जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप स्टैमिना पोशन एक आधा रख सकते हो अगर आपकी एजिलिटी लेवल नहीं है तो, ठीक है. उसके बाद आपने ये क्वेस्ट कंप्लीट करनी है. ये क्वेस्ट एक ही जगह पर स्टार्ट होनी है और एक जगह पर ही कंप्लीट हो जानी है. इतना ज़्यादा कोई इसमें करने की ज़रूरत नहीं, हाँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, ठीक है. तो मेरे पास कुछ रूम्स वगैरह रखे हुए हैं, वो मैंने इसलिए रखे हुए हैं कि मेरे पास मैं फैलाडोर नहीं ख़रीद रहा हूँ. मैं अगर स्पेल बुक कर जाऊं तो मेरा फैलाडोर जो अनलॉक किया हुआ है मैं इधर से वापस भी आ सकता हूं, विरॉक और फैलाडोर भी जा सकता हूं, ठीक है. तो डियर फ्रेंड, ये रही आपके सामने दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं इसकी रिक्वायरमेंट लिस्ट. सो इसकी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है रिड्रिक रिचुअल क्वेस्ट, जो ऑलरेडी हम कम्प्लीट कर चुके हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, या ऊपर आई बटन पर स्क्रोल कर रहा हो वहाँ पर भी क्लिक करके उसको देख सकते हैं. दूसरी जो है ब्लैक नाइट फोर्ट्रेस, ये क्वेस्ट कंप्लीट होनी चाहिए फिर जाके ये जो हमारी क्वेस्ट है कंप्लीट होगी. रिक्वायरमेंट ड्राइव वाली, ठीक है, अदरवाइज ये क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती. उसके बाद नीचे अगर बात करते हैं, उसके बाद नीचे जो है वो है आइटम नीडेड की जो बात करते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 300 कॉइन चाहिए अगर आपका बंदा है तो, मतलब मेल करेक्टर है तो फीमेल नहीं है तो 300 कॉइन्स चाहिए, कॉइन्स चाहिए, ठीक है, 3000 कॉइन्स होने चाहिए. उसके बाद अगर बात की जाए इसकी स्किल्स की, तो कोई स्किल की ज़रूरत नहीं किसी किस्म का, कोई आर्मर, कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं. और अगर नीचे रिकमेंडेड आइटम की बात की जाए तो बेस्ट है कि आप एक आधा स्टैमिना पोशन रख लो. और टेलीपोर्ट की बात की जाए तो दो विरॉक इनफ है. तो डियर फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो उससे पहले अगर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जैसे ही कोई क्विक गाइड क्वेस्ट के ऊपर कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पहुंच सके. क्योंकि आपको पता है ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है गेम, जो हमें पैसे भी कमा के देती है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है. तो अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को टिल द एंड तक देखिए, और जब समझ आ जाए तो लाइक कीजिए. और इसके दौरान किसी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि फ़लाँ इस टाइम के दौरान, मतलब एक मिनट या उसके इतने सेकंड के बाद मुझे समझ नहीं आया आपने क्या किया, तो मैं वहाँ पे आपको दोबारा से बता दूंगा, ठीक हो गया. तो डियर फ्रेंड, स्टार्ट करता हूँ. तो मैं यहाँ पे जाता हूँ जी फैलाडोर, ठीक हो गया. फैलाडोर मैं यहाँ पे आ गया. अब मैंने अपने जो करेक्टर है इसको करना है तब्दील जी फीमेल में, ठीक है. तो मैं अब इस जगह पर हूँ, इस जगह पर मैंने इस जगह पर आना है, ठीक है. ये मेक ओवर मेगा में, ठीक है, इस जगह पर. तो मैं जल्दी से इसको यहाँ से रनिंग मोड में लाता हूँ. डोर को ओपन करते हैं, इससे टॉक करनी है. यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, श्योर आई विल पे 3000 कॉइन, ठीक है. तो आप देख सकते हो फीमेल करेक्टर को हमने यहाँ पे तब्दील करके यहाँ पे कंफर्म कर देना फीमेल. तो हमारा जो करेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल में
कन्वर्ट हो गया। तो डियर फ्रेंड अब हमने दोबारा फैलाडोर जाना है। यहीं से मैं बताता हूँ क्वेस्ट कहाँ से स्टार्ट होनी है, हमने करनी है क्वेस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, वाइट नाइट इस जगह से, ठीक है, सेकंड फ्लोर पर। तो मैं यहाँ से दोबारा से फैलाडोर जाता हूँ, दो फैलाडोर इसलिए कि इसकी ज़रूरत है, ठीक है, वैसे आप तीन भी रख सकते हो। तो मैं इधर से साउथ की तरफ जाता हूँ, मतलब नीचे की तरफ, वर्ल्ड मैप जो ओपन कर लेता हूँ मैं, तो आपके लेफ्ट साइड पर जो फर्स्ट बिल्डिंग आएगी आपने उसका डोर ओपन करना है, ये वाइट वाला, तो अंदर चले जाना, ठीक है। अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्लाइम अप कर देना, इस सीढ़ी पर आकर फिर से क्लाइम अप। तो सेकंड फ्लोर पर हमारा एक बंदा होगा, ठीक है, तो उससे हमने टॉक करनी है। ये सर अमेक, ठीक है, इससे टॉक करनी है। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वन प्रेस करना है, यस प्लीज, स्पेस प्रेस करनी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा से फेलाडोर पार्क में जाना है। यहाँ से फेलाडोर पार्क कहाँ पे होगी, ये है जी पार्क, ठीक है, ये क्वेस्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अब आपने जाना है। तो मैं यहाँ से फिर टेलीपोर्ट हो जाता हूँ फेलाडोर, आप तीन ले लेना फेलाडोर, ठीक है, इनाफ होंगे। तो मैं यहाँ से पार्क में इंटर होता हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल इंट्रेस यहाँ पे होनी है, इसके पास ही ना एक ओल्ड मैन बैठा होगा, ठीक है, इससे हमने टॉक करनी, सर टिफी, इससे बात करनी है, ठीक है, स्पेस प्रेस करके रखना है। और ऑप्शन थर्ड बना है, यस लेट्स गो। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, वो कह रहे हैं वेल बैड लक ओल्ड, यू विल नीड टू हैव कम्प्लीटली एम्प्टी इन्वेंट्री, यानी कि यहाँ पे हमने टोटली ओवरऑल अपनी इन्वेंट्री के अंदर जो सामान है वो बैंक में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैंक पास ही है, ठीक है, ये बिल्कुल पास ये खड़ा हुआ, ठीक है। तो मैं वापसी बैंक में जाता हूँ, तो ये सारा का सारा सामान जो है ना बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा देता हूँ, और फिर आके इससे टॉक करते हैं। इतना तक कि आपने यहाँ पे मैंने देख सकते हो कि मैंने आर्मर वगैरह सब कुछ, अपने क्लॉथ सब कुछ यहाँ पे ना उतारे हुए हैं, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आपने बिल्कुल सब कुछ डिपॉजिट कर देना इसके अंदर, इन्वेंटरी टोटली ओवरऑल खाली करके दोबारा उसके पास जाना है, और अब वो हमें लेके चलेगा। तो टॉक करनी दोबारा से, स्पेस प्रेस, थर्ड ऑप्शन अगेन, यस लेट्स गो, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमें लेके चला जाएगा। आप ओके हो गया। सो डियर फ्रेंड, जैसे ही वो हमें सर यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है, तो यहाँ से अब हमारी जो पजल्स टास्क है ना वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें फुली तौर पर यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस करना है, बात वगैरह किसी पर क्लिक नहीं करना, प्रेस कर देना कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन लॉक है, ये डोर वो, ठीक है, लॉक है, तो इसको हम कॉम्बिनेशन के साथ खोलेंगे। तो लेकिन सेंटेंस यहाँ पे गौर से हमने देखने होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपने भी क्लिक करना है, कैन आई हैव द कर्स फॉर द डोर, ये बात याद रखनी, हर दफ़ा कोई ना कोई टास्क आपको चेंज आता रहेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो मुझे इस क्वेस्ट में ये आ रहा है आपको चेंज भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये आया तो मैं फिर ज़ाहिर सी बात यही हल करूँगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो आपने इस लेटर को ध्यान से याद रखना है, ये पूरा जितना भी सेंटेंस है, इसके जो पहले पहले वाले फिगर है ना वो नोट करना है, जैसे कि FISH, ये फिश बनता है, तो मुझे याद है फिश, ठीक है, FISH। तो जल्दी से इस डोर पर क्लिक करते हैं, तो पहला पहला जो लफ्ज़ है
वो आपने याद रखना है। यहाँ पे एफ डालता हूँ मैं फर्स्ट वाले पर, एफ आई ठीक है, एस और यहाँ पे एच, ठीक हो गया। अब इंटर प्रेस करते हैं, ठीक हो गया, और यहाँ से डोर को ओपन कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड टास्क आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम होने वाला है, ठीक है। ये हमारे लिए चैलेंज का ही काम है, ठीक है। इस डोर को ओपन करना, डबल डोर है, तो मुझे तो पता है, आपको बता रहा हूँ, आपके लिए तो छोटी क्वेस्ट है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है ये, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने इसको किया तो काफ़ी घंटे लग गए। तो मैं इसको सर्च करता हूँ, ये जितनी भी यहाँ पे आपके पास पड़ी हुई है सारी की सारी चीज़ों को आपने सर्च करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको भी सर्च कर लेता हूँ मैं, इसको सर्च कर लेते हैं, टेक ऑल दीज, ठीक है। सारी की सारी आपने यहाँ पे पिक करनी चीज़ें, यहाँ पे भी यस, आगे वाले पर भी यस, फिर आगे वाले। अब हमने यहाँ पे साइंस के हिसाब से इस डोर को लॉक करना है, ठीक है, अनलॉक करना है। तो इस ग्रेट जो सामने पड़ा हुआ है इसको भी मैं सर्च कर लेता हूँ, कुछ मिल जाता है, ये मिल गया बॉल हमें। उसके बाद ये नेक्स्ट, इसको भी सर्च करते हैं, यस, साथ वाले को भी। ये सारे के सारे जो है ना हमारे पास ये केमिकल आ रहे हैं, ठीक है, डोर को ओपन करने के लिए, यस, साथ वाले को भी। तो नीचे वाला ऑप्शन टेक बोथ, ठीक है। अब डियर फ्रेंड यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे स्पिड पड़ी हुई, इसको ओपन कर लेना, ठीक है, सॉरी इसको पकड़ लेना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस तरफ आ जाना है, इस टेबल के ऊपर हमें ये पड़ा होगा बर्नर, ठीक है। तो हमारे पास एक ना ये ऐश आ जाएगी, ठीक है, मतलब खाक सी आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये जो है इसका हैंड लेस हो जाएगा स्पीड का, ठीक है, इसको आपने इसके ऊपर यूज़ कर देना। जैसे आप यूज़ करोगे तो ये देखें ये इसके अंदर चला जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपको सल्फेट लेना है, कॉपरिक सल्फेट, ठीक है, ये वाला लेना है, इसको इसके ऊपर डाल देना, ठीक है, ये डाल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें लिक्विड की ज़रूरत है, तो लिक्विड भी हमें, ये लिक्विड पड़ा हुआ, इसको इसके ऊपर डाल देना, ये हमारा डोर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे डोर पर, तो डोर हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट डोर को हमने ओपन करना है, जो हमारे पास यहाँ पे बॉल पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक डुप्लीकेट की बनानी है। तो सबसे पहले इसमें लिक्विड डालते हैं, तो लिक्विड मेरे पास ये पड़ा हुआ, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड डाल देना है, ये लिक्विड आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद हमने जहाँ डालना है इसमें जिप्सम, तो जिप्सम किधर है, ये जिप्सम भी इसके अंदर डाल देना, ठीक है, तो ये भर जाएगा। अब नीचे जो की रखी हुई है, अब की कहाँ पर रखी हुई है, की इसके बिल्कुल ये पड़ी हुई, ठीक है, इधर आ जाना इसको लेकर, ठीक है। अब ये जो की है अब इस पर क्लिक करना है, ये जो हमारा टिन यूज है इसको की के अंदर डाल देना, ठीक है, अब हमने
इसके इम्प्रेशन लेने हैं, जैसे कि अंगूठा लगाते हैं किस चीज़ पर तो उसके निशान आ जाते हैं ना, वो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमने पाउडर डालना है इसके अंदर, कॉप्रिक रार पाउडर ये इसके अंदर डाल देना, ठीक है। इस टिन के ये भी डल गया, उसके बाद टिन पाउडर डालना है, यहाँ पे टिन पाउडर हमारा किधर है, इस साइड, ये इसका कलर कुछ चेंज है लेकिन है टिन पाउडर, ठीक है, ऊपर लिखा जाता है। तो डियर फ्रेंड ये इसके अंदर डालना है। अब आपने क्या करना है, इसको बर्न करना है इसके ऊपर, ये टिन पाउडर को यूज़ करना है इस बर्नर पर, ठीक हो गया। अब जैसे इसको यूज़ करना, अब आपने क्या करना है, जो नाइफ़ होगा इसको इस पर क्लिक करना है तो काट देगा, ये हमारी जो डुप्लीकेट की आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर चले जाना है, की लेके की को इसके ऊपर यूज़ करना, तो हमारा डोर जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके जी डियर फ्रेंड, अब थोड़ा सा आगे आना है, ठीक है, यहाँ पे फिर वो स्पेस प्रेस करनी, तो यहाँ पे 20 लेवल का बंदा होगा, इसको किल करना है। हमारी जो क्वेस्ट है कंप्लीट होने के करीब है, अब जो नेक्स्ट टास्क हमारा आना है, आपने जल्दी से स्नैप शूट ले लेनी है गेम के ऊपर, ये आप देख सकते हो ये, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ है कि सारा का सारा टास्क नहीं तो हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो एक्सीलेंट वर्क, कंटिन्यू करते हैं, आगे जाते हैं, आगे वाले चैनल पर। इस पर आपने जल्दी से इसको क्लिक कर लेना है, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टैचू होंगे जो कि तब्दील होते रहते हैं। तो अब आ गया जो हमारा नेक्स्ट टास्क, ये आपने, ये बड़ा ज़बरदस्त टास्क है, बहुत ईजी है ये। आपने बचपन में, आपके बड़ों ने आपको कहानियाँ वगैरह सुनाई होंगी इसमें, कि एक शेर होता है, बकरी होती है और घास होती है, उनको दरिया के उस पार लेके जाना पड़ता है। अगर हम घास को लेके जाते हैं तो शेर बकरी खा जाता है, और अगर शेर को लेके जाते हैं पहले तो बकरी जो है घास खा जाती है, ये बिल्कुल उसी तरह। अब यहाँ पर हमारे पास चिकन है, ठीक है, कुछ दाने वगैरह हैं, ग्रेन मतलब उसको बोलते हैं, ठीक है, और साथ में एक हमारे पास फॉक्स है, मतलब लूम्बर है। अब हमने कुछ इस लिहाज से उनको आगे लेके जाना है कि अगर हम चिकन को आगे लेके जाएं तो, सॉरी, जो अगर हम फॉक्स को आगे लेके जाएंगे तो जो ये मुर्गा हमारा है, या चिकन बोल सकते हो इसको, ये खा जाएगा ये दाने, ठीक है, और अगर हम दाने आगे ले जाएगा तो फॉक्स जो है वो मुर्गा खा जाएगा। तो हमने इस लिहाज से इसको आगे लेके जाना है कि हमारा बचत हो जाए, ठीक है। तो मैं पहले चिकन को उठाता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फॉक्स जो है दाने वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं खाता, ठीक है। तो क्रॉस ब्रिज करते हैं, तो पहले मुर्गे को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब दोबारा से ब्रिज को क्रॉस करते हैं, ठीक है, अब हम लेके आते हैं फॉक्स को, ठीक है, क्रॉस करते हैं, इधर हम ड्रॉप करते हैं। अब हम जो पिक करते हैं दोबारा से अपनी चिकन को, मुर्गे को वापस लेके जाते हैं, सॉरी, इसको रिमूव करते हैं, दोबारा से इस घास या कोई फूड आप बोल सकते हो इसको लेके जाते हैं उधर, इसको यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, दोबारा से अपनी चिकन को लेके आते हैं, और हमारा ये टास्क जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कुछ भी ज़ाया हमारा नहीं हुआ, तो हमारी बचत होगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टास्क है, यहीं से नज़र आ रहा होगा आपको, कुछ स्टैचू वगैरह यहाँ पे हैं, तो उनको हमने नोट करना है, ठीक है। तो हमारा पजल है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, ठीक है, ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सॉल्व दी रूम पजल्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा ये स्टैचू वाला है, इसको आपने नोट करना, ऊपर आपने इसकी जल्दी से स्नैपशॉट ले लेनी है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। मैंने जल्दी से स्नैपशॉट इसका ले लिया, ठीक है, अब देखें ये चेंज हो गए। अब कॉमन चीज़ यहाँ पर देखने वाली है, जो सिल्वर कलर के हैं, ठीक है, ये जो चेंज हो गए, ठीक है। अब इसके हाथ में कुल्हाड़ी है पकड़ी हुई, ये डाउन वाला है, ठीक है, स्टैचू,
मतलब इसने जो तलवार डाउन की और इसने अपने हाथ में ली हुई है, मतलब कुल्हाड़ा इस तरह से पकड़ा हुआ शोल्डर के साथ। अब ये सारे सेट हो जाएंगे खुद ही। अब इसमें हमने वो बताना है जो मिसिंग था, ठीक है, और वो था ये वाला मिसिंग था पहले वाला, क्योंकि ये भी था, ये भी था, ये भी था। अब इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, तो ये देखें ये कंप्लीट हो गया। यू हैव पास द फाइव ऑफ द रिक्वायरमेंट टेस्टेड, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। सो डियर फ्रेंड, फाइनली अब जैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारी जो क्वेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होगी, ठीक है। रिवॉर्डेड के तौर पर जो हमें वन क्वेस्ट पॉइंट मिला है, 1000 हमें प्रेयर हर्ब एंड एजिलिटी एक्सपी मिली है, ठीक है। उसके बाद हम गेज ऑफ सेरेडम, इसको भी हम एक्सेस कर पाएंगे। टेम्पल ऑफ कनाइट इंस्टीट्यूट हेलमेट, ये हमारे ऑलरेडी हमें रिवॉर्डिंग के तौर पर मिल गया, ये देखें, ठीक हो गया। तो डियर फ्रेंड, यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। हमारी क्वेस्ट यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। कैन आई बाय सम आर्मर, ठीक है, या कैन आई स्विच दी, या गुड बाय। तो सॉरी, यहाँ पे हमारी जो क्वेस्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ मेरे साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आपकी फुल टू हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो डियर फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें, और साथ में ये भी बताना कि आपने ये क्वेस्ट कंप्लीट कर ली है, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना, ठीक है। सो डियर फ्रेंड, मिलते हैं किसी और क्वेस्ट के अंदर। मैं नेक्स्ट सोच रहा हूँ कि चलो विल जाए उसको कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो आपका क्या राय इस बारे में कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। सो डियर फ्रेंड, हमारी क्वेस्ट जहाँ पे कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। अब हमने दोबारा से ये मेरा फीमेल करेक्टर जो है इसको मैं दोबारा से मेल करेक्टर में तब्दील करने लगा हूँ, तो आपने वहीं पे दोबारा आ जाना है, ठीक है। मैं इस रिपोर्ट को डिसमिस कर दूँ, ठीक है। तो हमारी क्वेस्ट यहाँ से कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। अब आपने आपने दोबारा जो फर्स्ट काम हमने किया, हमने दोबारा मेक ओवर वाले ऑप्शन पर आ जाना, ठीक है। तो मैं इधर ऑलरेडी पहुँच गया हूँ, तो यहाँ से डोर को ओपन करता हूँ, मैं अंदर आता हूँ, इस पर इससे टॉक करता हूँ, ठीक है। स्पेस प्रेस रखनी है, यस शो, 3000 कॉइन इसको दे देने हैं। आपने अब मेल जो है इसको सिलेक्ट करना है इस पर, और अपनी मर्ज़ी का जो आपका कलर था आपने उस पर कंफर्म कर देना, ठीक है। तो हमारा जो करेक्टर है दोबारा से चेंज हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे का वैसा हो गया, ठीक हो गया। सो डियर फ्रेंड, ये था इसको दोबारा आप चेंज कर, क्योंकि उसको इसकी रिक्वायरमेंट थी कि लेडीज़ होनी चाहिए, तो वो हमने इसलिए किया, अब हमने दोबारा से इसको चेंज कर दिया, ठीक हो गया। ओके डियर फ्रेंड, गुड बाय।